अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम देखेंगे मटन पुलाव की रेसिपी, वाइट मटन का पुलाव, जो कि बहुत ही जायकेदार होता है और इस पुलाव को आप दावत पर भी बना सकते हो। तो चलिए बनाना शुरू कर लेते हैं। एक कुकर में हमने 600 ग्राम मटन लिया है। मटन के मीडियम साइज के पीसेस कट कर लिए हैं और उसे 3 से 4 बार धोकर अच्छी तरह से उसका पानी निथार कर हमने इस्तेमाल किया है। उसमें डालेंगे 2 टेबलस्पून भरकर दही। दही डालने से ये आसानी से गल जाता है। साथ ही 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, 1 मीडियम साइज की प्याज स्लाइसेस में कट की हुई और 4 हरी मिर्च को हमने क्रश करके लिया है, उसे भी डाल देंगे। साथ ही नमक टेस्ट के हिसाब से डाल दें और कुछ खड़े गरम मसाले, 2 हरी इलायची, 2 लौंग, 1 दालचीनी का टुकड़ा, 4 से 5 काले मिर्च और 2 तेज पत्ता से शामिल कर देंगे और सारी चीजों को हाथों से अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है हमें, ताकि जो सारी चीजें हैं वो मटन में मिक्स हो जाए। और फिर हम उसमें डाल देंगे 1 गिलास पानी। इसी गिलास से हमने 2 गिलास चावल लिए हैं पुलाव बनाने के लिए मेजर करके, तो इसी से हम पहले 1 गिलास पानी मटन को गलने में शामिल करेंगे और बाकी 2 गिलास पानी पुलाव पकते वक्त शामिल करेंगे। चम्मच से उसे मिक्स कर लेंगे और अब ढक्कन लगा देंगे और उसे मटन को गलने के लिए रख देंगे। पहले हाई फ्लेम पर हम 1 सीटी लेंगे और फ्लेम को मीडियम कर देंगे और 12 से 15 मिनट इसे मीडियम फ्लेम पर गलने देंगे। और दूसरी तरफ हमने 2 ग्लास बासमती राइस को 3 से 4 बार धोकर आधे घंटे के लिए भिगोने के लिए रख दिया है। इसे आधा घंटा छोड़ देंगे और पुलाव की तैयारी शुरू करते हैं। तो एक बर्तन में 1/3 कप तेल गरम कर लेंगे। उसमें 1 दालचीनी का टुकड़ा, 2 हरी इलायची, 2 लौंग, 3 काली मिर्च, 1/2 टीस्पून जीरा और 1/2 टीस्पून सौंफ डालेंगे। हम इसमें खड़े गरम मसाले कम इस्तेमाल करेंगे क्योंकि मटन के गलने में हमने डाला था। इसे तेल में डाल देंगे और फिर इसमें 2 मीडियम साइज की प्याज स्लाइसेस में कट की हुई शामिल करना है और प्याज को हल्की गोल्डन होने तक हम फ्राई कर लेंगे। हमें ज़्यादा नहीं फ्राई करना है वरना पुलाव का कलर चेंज हो जाएगा। मटन देखिए हमारा गल गया है, एक तरफ हमने गलने के लिए रखा था। चेक कर लेते हैं, 90% मटन गल गया है। थोड़ा जो गलना बाकी है वो पुलाव के पकते वक्त गल जाएगा। अब इससे मटन का पानी और मटन अलग करके रखेंगे और जो मटन का स्टॉक यानी पानी है उसे पुलाव पकाते वक्त इस्तेमाल करेंगे। दूसरी तरफ हमारी प्याज भी हल्की गोल्डन हो गई है, बस हमें इतनी ही फ्राई करनी है। इसमें 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करेंगे और 2 मिनट के लिए इसे भून लेंगे ताकि अदरक लहसुन की जो कच्ची स्मेल है वो निकल जाए। और यहाँ हमने 4 हरी मिर्च को बड़े बड़े टुकड़ों में कट करके लिया है, उसे डाल देंगे और इसे भी 2 मिनट के लिए हमें फ्राई कर लेना है। उसमें बॉईल किया हुआ मटन शामिल करेंगे और साथ ही 3 टेबलस्पून भरकर दही डालना है हमें, 1/2 लीमू का रस भी शामिल करेंगे, नमक टेस्ट के हिसाब से डालें और इन सारी चीजों को मटन में अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और इसे हमें 3 से 4 मिनट भून लेना है ताकि जो दही है वो मटन में अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। देखिए हमने मटन को अच्छी तरह से भून लिया है, बस हमें मीडियम फ्लेम पर 3 से 4 मिनट भून लेना है। और अब उसमें जो मटन का स्टॉक था जो बॉईल करते वक्त हमने 1 गिलास अलग रखा था वो डालेंगे और 2 गिलास दूसरा पानी शामिल करना है हमें। हमने टोटल 3 गिलास पानी शामिल किया है और इसे अब बॉईल आने के लिए देंगे। और जैसे इसमें बॉईल आता है उसमें 2 गिलास भिगोए हुए बासमती राइस डाल देंगे और 1/2 कप धनिया और पुदीने के पत्ते डालना है और अब सारी चीजों को मिक्स कर लेंगे। थोड़ा सा नमक कम था इसलिए हमने उसमें शामिल कर लिया है, इसे भी मिक्स कर लेते हैं। और अब कवर कर देंगे, थाली रखेंगे और थाली को थोड़ा सा खुला रख देंगे और मीडियम फ्लेम पर 5 से 7 मिनट रख देंगे पकने के लिए, जब तक कि पानी सूखता नहीं है। 5 मिनट बाद चेक कर लेते हैं,
इसे चम्मच से हल्के से मिक्स कर लेना है। ज्यादा नहीं मिक्स करना है वरना चावल टूट जाएंगे, इसलिए हमने हल्के से मिक्स किया है। आखिर में एक टेबलस्पून देसी घी डालेंगे ताकि जो चावल है वो ज्यादा खिले खिले बने। और चूल्हे पर हमने एक तरफ तवा रख दिया है और पुलाव का देगचा रख देंगे। फ्लेम को बिल्कुल लो करना है और कवर करके हम लो फ्लेम पर इसे दम पर रखेंगे। कोई हेवी चीज रख देंगे और 10 से 12 मिनट लो फ्लेम पर पका लेंगे। 12 मिनट हो गए हैं, फ्लेम को ऑफ कर देते हैं और इसे ऐसे ही 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे। अब चेक कर लेते हैं 10 मिनट बाद। ये देखिए हमारा मजेदार मटन पुलाव बनकर तैयार है। सारे दाने बहुत ही अलग अलग हो गए हैं और मटन भी बहुत ही अच्छे से गल गया है। और अब इस पुलाव को हम एक डिश में निकाल के रायते के साथ गरम गरम ही सर्व करेंगे। बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है और पुलाव भी बहुत ही खिला खिला बना है। आप इस पुलाव को मेहमानों के लिए भी सर्व कर सकते हो। बहुत ही कम वक्त में और बहुत ही जायकेदार व्हाइट पुलाव बनकर तैयार है। रेसिपी पसंद आए तो आप इसे जरूर ट्राई कीजिएगा। और अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी जरूर करें ताकि हमारी नई नई रेसिपीज जो है वो आपको मिले। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए इजाजत चाहती हूँ। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।